नाम क्या है? कीरी। कीरी। और if I'm correct, आपकी काफी लंबी हिस्ट्री है ना रोडीज के साथ? I've been trying since last year. पांच वेन्यू में गया last year. I'm going to Delhi and then Jaipur and Mumbai. No problem at all. MTV, मेरे को MTV रोडीज बना दो please. चंडीगढ़ में शॉर्टेज नहीं हुआ, दिल्ली में शॉर्टेज नहीं हुआ, जयपुर में भी नहीं हुआ, फिर मुंबई जाएगा. इनिंग कलकत्ता से गया, कलकत्ता टू चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर, जयपुर से यहाँ. अच्छा, तो इंटरव्यू तो आप पहली बार दे रहे हो? Yeah, for first time. तो कोई स्ट्रेटजी है? स्ट्रेटजी तो आई डोंट हैव, जस्ट बी माय सेल्फ. ऑल द बेस्ट. दिस इज हाउ द इंटरव्यू रूम लुक्स लाइक. दिस स्कैरी. या आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर आने की? या पिछले साल से ट्राई कर रहा हूँ. मतलब कितना ट्राई किया? आई हैव बीन टू ऑल द फाइव वेन्यूज, लेकिन जीडी तक क्रैक नहीं कर सका. इस साल पहली बार में यहाँ तक पहुँच गए? फॉर अ फर्स्ट टाइम. कैसे? क्योंकि पिछले साल मेरा हिंदी तो अच्छा नहीं था. इवन नाउ आई एम नॉट गुड एट, लेकिन थोड़ा कुछ बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट आया. कैसे? क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ हिंदी में बात करता हूँ. क्यों? रोडीज के लिए. सो स्वीट. किरी, तुम्हारी उम्र क्या? 25. 25 साल. इतना बार कोशिश कर रहे हो यार, क्या हो, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? तुमसे छुट, मैं इसलिए तुम्हें बुलाया बताया क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम्हें एक बार यहाँ बुला नहीं लेता. तुमने मुझे नैक कर करके फोर्स कर दिया कि यहाँ पर लेके आऊँ तुम्हें. ऐसा क्या? I want to win the bike. After you know so much of hard labor, I want to win the bike. क्योंकि मतलब वो बाइक मेरे को something, it would be like an antique piece to me. That's the only reason. दो और एक रीजन है. क्या? वो क्या? मतलब रोडीज में जब टास्क परफॉर्म करते समय, स्पेशली लास्ट सीजन रोडीज, आई लाइक द, आई मीन द इंटेंसिटी ऑफ सुनील, द फियरलेसनेस सुनील जब बॉक्सिंग रिंग में गया. यू नो, आई से टू माय सेल्फ, ओह माय गुडनेस, दैट्स द, आई मीन द स्पिरिट ऑफ अ रोडी. किरी, तुम्हारा पहला रीजन और दूसरा रीजन एक दूसरे की ले रहे हैं, पता है? बताओ कैसे. पहला रीजन तुमने बताया बाइक. बाइक जीतना है. बाइक जीतने के लिए तुम्हें बहुत आगे तक जाना पड़ता है, राइट? यस यस. सर्वाइव करना पड़ता है. मतलब आखिरी पांच या चार में से हो गए तो तुम्हारा चांस है जीतने का बाइक, करेक्ट? दूसरा रीजन है टास्क में इंटेंसिटी के साथ अच्छी तरह परफॉर्म करना. अब सुनो मेरी बात. पिछले साल रोडीज ने ज्यादा परफॉर्म नहीं किया, वो इसलिए क्योंकि जो भी टास्क में अच्छी तरह परफॉर्म करता है वो सबकी नजर में आ जाता है कि ये बंदा इम्यूनिटी जीत सकता है. इसलिए जब जिस टास्क में तुम्हें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी ना, वो तुम्हें वोट आउट कर देंगे. ऐसा होता है? होता है. तो तुम अच्छी तरह टास्क परफॉर्म करोगे लेकिन आप वोट आउट हो जाओगे, इसलिए आपको बाइक नहीं मिलेगी. कोई कोई टास्क तो होगा, मतलब हम इतना इंटेंसिटी के साथ परफॉर्म नहीं करेगा, अपना मतलब वीकनेस भी दिखाएगा. गेट आउट. हम जोकिंग. मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, मुझे पता है ये लोगों की स्ट्रेटेजी है. I'll kick your teeth in. मगर ये, if you underperform this year, do you get me? I don't give a f- whether you survive or not. I don't care whether you get the bike. That's not my f- problem. Do you get me? I'm very clear to you. But if you do not perform, I don't care. Vote out gaya bhaad mein. I'll personally come pick you up and throw you out. I'm very clear of that this year. Yes. And then I'm gonna perform. Par you're still not gonna perform. I'll tell you why. You किसी भी competition में आप जीतने नहीं जाते हो. पूछो मुझे कैसा पता लगा. बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में गए आप? आई वेंट टू बॉडी. क्या करने गए थे वहाँ पे? मतलब अपनी जगह हसाई कराने के लिए गए थे. मतलब मेरा एक्साइटमेंट ज़्यादा था उस समय. मतलब देयर वर लेस नंबर ऑफ कंटेस्टेंट्स, कम थी था वहाँ पे. मतलब सिर्फ छः आदमी था. आदमी था, औरतें थी? औरतें तो नहीं था. आदमी थे ना फिर भी? आदमी थे. आई वांट टू सी योर बॉडी. टेक योर टी-शर्ट ऑफ. फुल. व्हाट डू यू थिंक ऑफ मी? How are you feeling right now? Feeling good, but a bit nervous. धीरे धीरे अच्छा लगेगा. You'll get used to it, right? I'll get used to it. Okay. So we'll stay like this. Fine? Okay. रोडीज में आप कौन सा टास्क करने से मना कर दोगे? कौन सा टास्क नहीं करना चाहोगे? Shaving off my hair. क्यों? मतलब I saw a lady on TV. मतलब अपना हेयर के बलबूते स्विंग कर रहा था. अपने बाल के बल वो लटकी हुई थी. लटकी हुई थी. और मतलब हमने सोचा कि हम कर सकेगा ये.
इसलिए उस टाइम से मतलब हम मतलब बाल आई स्टार्ट ग्रो अलॉन्ग हेयर सो आई देखो कितने लंबे हो गए देखो बस 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 हाँ निकाल दो शो टर्न अराउंड ऑलराइट सिट डाउन तुम्हें लगता है तुम अपने बाल के बलबूते लटक सकते हो आई स्ट्रांगली फील मुझे लगता है और तुम करने वाले हो डू यू वांट टू ट्राई हाउ स्ट्रांग योर हेयर इज या खड़े हो जाओ आराम से अरे वेट यू विल बी लिफ्टिंग इट ओके या स्टैंड अप हाउ यू फीलिंग Easy? Difficult? Easy. Easy? Yeah. बैठ जा. बैठ जा. भाई इससे तुम्हारी हेल्प थी कुछ ये बहुत भारी है. Careful. तुम्हारा वेट क्या है? Right now it's 70. ठीक है. तो ये आपसे हल्का ही है. Try, हाँ? Try. आराम से. Easy? Difficult? Quite difficult. That's because I was helping. Give me five. यार मुझे बता तुम बहुत सारे रैलीज़ में पार्टिसिपेट करते हो। आ या, आई यूज्ड टू। For social causes. What is the last rally you went to? किसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? नहीं, वो प्रोटेस्ट रैली नहीं, डिमांडिंग रैली है। We are demanding a state, separate state for our district. What? Indian Constitution Article 244 में है, मतलब autonomous state. That can be given to Karbi, Anglong and Seals. कुछ answers लिखे आपने कमियों के बारे में yeah. कि आप आपकी हिंदी वीक है मेरा हिंदी वीक है आप आर्टिकुलेट नहीं हो यस है ना mm-hmm. और आप डम हो बिट थोड़ा फुलिश हो थोड़ा फुलिश हो yeah. है ना तो फिर हम आपको क्यों ले रोडीज में सर रोडीज में तो मैक्सिमम लोग तो सब स्मार्ट ही रहते हैं तो क्यों ना ले मेरे को मतलब थोड़ा एक दो पुलिस को भी लेना चाहिए ना ये आपका रीज़न है हमें लेने के लिए कि बेवकूफ़ों को की भी जिंदगी होती है वो भी इंसान होते हैं ये आपका रीज़न है सिंस यू आर लुकिंग आउट फॉर मतलब 13 अलग करेक्टर्स को ही देख रहे तो एक पुलिस या दम्बो को लेने तो आई मीन इफ यू टेक मी देन वेरी गुड थैंक यू तुम थैंक यू टी शर्ट पहन लो एंड गेट आउट दरवाजा विवेक जी अगर if I remember correctly, जब आप अंदर गए थे आप सारे कपड़े पहन रहे थे ना Yes, I was wearing a t-shirt now. I was made to take off my t-shirt by Raghu. क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी देखना he wanted to see my body. क्यों? Because I have written in the form that I have participated in a bodybuilding competition. What a guy. बोलते हैं ना वो आग से निकल के तलवार बनती है This guy is rocking. Don't you think? कोई pretense नहीं है. ये मैं हूँ. Boss ही. I'm telling you. कुएं का मेंढक हाँ. He's very socially aware. इसको पता है. Proactive. इसको not only does he not know, he actually goes out of his way to try and change things. Now that is a roadie. If that's not a roadie, what is? Even if he's not selected, na for me he's a roadie. Let's do it, yeah. है ना? Let's get him. Boss, you better perform, ah, Kiri. Because if you don't, I'll kick you out. And if you do, they'll kick you out. Let's see how you manage.